आज स्टोरी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा था। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसे से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। देखा तो समझा कि जल्दीबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। मेरे खुरपाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए जिसे आज तक उन्होंने किसी के हाथ तक नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जब मैंने पापा का वो पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओह या तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि पापा ने लिखा होगा किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी को पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो गया, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे, क्यों कुछ यूँ लिखा 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। वह यही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया। मुझे याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर लाकर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था और मुझे देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वह मेरे पापा थे। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो पहली जो 20 थी उसमें जो लिखा हुआ था अच्छे जूते पहनना, यह बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सर पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कई बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ ने जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर जाकर कट टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे, मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा परसों क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी, वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी, तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए, बस इतना पड़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई सिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों में आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोए जा रहा हूँ। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूते की वह पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूते को रास्ते में ही निकाल फेंक दिया। भागते लखते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वहाँ कहीं भी थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि भागते भागते थक नहीं रहा था और वह भी बिना जूतों के। जैसे तैसे नंगे पर जैसे तैसे बाइक एजेंसी पर पहुंचा, पापा वहीं थे। मैंने